जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है हंसराज जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर ये देखिए, ईडी की टीम पहुंची हुई है सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर, कहा जा रहा है तलाशी की जा रही है, और किस तरह से देखते हैं आप ये पूरी जो कार्रवाई चल रही है इस वक्त? देखिए शांतनु जी, बहुत स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शिकंजा तरीके से कस रही कि कैसे करके अपोजिट पार्टी के नेता हैं उनको कैसे करके जेल में डाला जाए। एक तरफ जितने भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई के जरिए कहीं ना कहीं सारे विपक्षी नेताओं का एक तरीके से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। आज आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली। आज ईडी के समन के खिलाफ आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जब कोर्ट गए कि ईडी ने हमारे विरोध में वकीलों की कतार खड़ी कर दी, और ईडी से बार बार कोर्ट ने इस मुद्दे पर पूछताछ किया कि अभी तक आपने इस मुद्दे पर कोई सुनवाई क्यों नहीं की। ईडी मतलब अगर आप इस बात को समझिए कि जो भी सबूत ईडी ने दिखाए कहीं एक चमन्नी का कहीं कुछ भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई, और कोर्ट ने खुद ईडी से कहा है कि आप 22 अप्रैल तक आप बताइए कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम रिलीफ क्यों ना दे दी जाए। ये पूरा पूरा मामला था, लगातार लगभग 9 सम्मन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को मिल चुका है, जिसमें हमने बार बार इस बात को पूछा कि आखिरकार केजरीवाल जी को आप अक्यूज के रूप में बुलाना चाहते हैं या विटनेस के रूप में बुलाना चाहते हैं। इसका ईडी के पास कहीं कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक मकसद है कि कैसे 2024 के आम चुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कैसे चुनाव प्रचार करने से रोका जाए, कैसे उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। क्योंकि बार बार ईडी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसको आके डिबेट में कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार होंगे, तो ये पूरी तरीके से तय है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है जी। और लेकिन देखिए, कोर्ट में जिस तरह की दलीलें जो है वो दी गई हैं वंशराज जी, और कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि देखिए अगर ईडी के पास सबूत हैं तो वो गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि केजरीवाल जी की तरफ से कहा गया था कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए या श्योरिटी उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन इस पर तो कोर्ट ने मना कर दिया कि इस तरह का कोई भी फैसला वो नहीं देगा। हाँ, लेकिन कोर्ट ने 22 अप्रैल तक इनसे जवाब खुद मांगा है कि आप जो भी कागजात आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं उससे कहीं कोई इस तरीके से नहीं दिख रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल जी की कहीं कोई संलिप्तता है, या जो भी केस झूठा केस आपने फंसा के आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को अंदर कर रखा है, या पूरी पार्टी को आप घेरने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कहां कुछ साबित अभी हो रहा है। तो इसलिए कोर्ट ने सीधा सीधा ईडी को जवाब देने के लिए कहा है कि 22 अप्रैल तक आप इस बात को बताएं कि क्यों ना अरविंद केजरीवाल जी को जो बार बार आप सम्मन भेज रहे हैं क्यों ना उनको एंट्री रिलीफ दे दी जाए। इस बात का जवाब चूंकि ऑलरेडी कोर्ट में है, लेकिन अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को खुश करना है। नरेंद्र मोदी को तकलीफ इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल अगर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रचार करेंगे, नरेंद्र मोदी की पोल खोलने का काम करेंगे, सबसे देश की सबसे प्रमुख आवाज, सबसे मुखर आवाज अरविंद केजरीवाल जी बने हुए हैं, सीए पे सरकार की क्या मंशा थी अरविंद केजरीवाल जी ने देश की जनता को बताया, तो अब तकलीफ इसी बात की है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते कद को, उनके कदम को, उनकी पार्टी को रोका जाए, नेस्तनाबूद किया जाए, बर्बाद किया जाए। बिल्कुल, लेकिन अब अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या होगा वंशराज जी, चूंकि अब ईडी की टीम पहुंची हुई है केजरीवाल जी से सवाल जवाब करने के लिए, या फिर जो भी जिस भी मकसद से पहुंची हुई है, क्योंकि समन लगातार जारी किए जा रहे थे, लेकिन ईडी ये कह रही थी कि 9 समन देखिए जारी कर दिए गए हैं, अभी तक केजरीवाल जी जो है वो उनके सामने सवाल जवाब के लिए पहुंचे नहीं है, तो सवाल जवाब करने में क्या दिक्कत आम आदमी पार्टी को अगर आ रही है? विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी सही हैं, ये घोटाला, कथित घोटाला जो कहा जा रहा है शराब घोटाला, उसमें किसी तरह की लिप्तता नहीं है, संलिप्तता नहीं है, तो फिर आखिर सवाल जवाब क्यों नहीं किए जा रहे हैं? अरे भाई, हम तो बार बार उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, हमने हर सम्मन पे उनको जवाब दिया कि आप हमारा रोल तो तय करें, कि आप हमको अक्यूज के रूप में बुला रहे हैं या विटनेस के रूप में बुला रहे हैं। और दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा कि मैं एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे पास तो सिर्फ ये काम नहीं कि आप जाके दरवाजे पे किसी छोड़ के चले और दिन भर हम उसी का जवाब आपको देते रहे। आप कोई सवाल आपको है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर लीजिए, हम कोर्ट में मामला ऑलरेडी पेंडिंग है। तो ये कहीं ना कहीं चूंकि एक मंशा है कि कितना जल्दी करके अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए, 22 अप्रैल तक का समय दिया गया, तो आप इंतजार करिए, आप जवाब दाखिल करिए कोर्ट के अंदर कि क्यों ना अरविंद केजरीवाल जी को एंट्री रिलीफ दे दी जाए। तो
तो अब अगर आप बियॉन्ड द कोर्ट जाके बात कर रहे हैं, आप राजनीति करना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की सारे पर जो ईडी और सीबीआई की फ्रंटल एजेंसी काम कर रही, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? वंशराज जी, आप मानते हैं राजनीति हो रही है, क्योंकि कोर्ट का आदेश जो है, आज जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है उसके बाद आज ईडी आज ही पहुंची है, आज ही कोर्ट में ये दलीलें दी गई और आज ही ईडी की टीम केजरीवाल जी के यहाँ पर पहुंची हुई है, इसको आप मानते हैं विशुद्ध राजनीति हो रही है क्या? ये बिल्कुल पहले से तय था। आप सोचिए शांतनु भाई की 16 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल जी राव जबन कोर्ट में पेश हुए, ठीक उसी रात को एक नवा समन भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही ये सब हो रहा है, और देश की जनता भी इस बात को समझ रही है कि एक ईमानदार, निहायत ईमानदार व्यक्ति को जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के सवाल करता है, उसको आप किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। एक महज 10 साल की पार्टी जिसने गुजरात के अंदर घुसकर 15% मत ले लिया, कैसे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी गुजरात के अंदर अपना विस्तार कर रही है? ये सब तमाम ऐसे कष्ट है, पीड़ा है। एमसीडी में 3 बार कैसे भाजपा हार गई, आज दिल्ली की सातों सीटें कैसे भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है? ये तमाम ऐसी पीड़ा है जिस पीड़ा से नरेंद्र मोदी और अमित शाह उबर नहीं पा रहे, इसलिए ईडी और सीबीआई के जरिए वो ये सारा खेल रखने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कानून में विश्वास रखती है, हम हाईकोर्ट में हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इनका जो मंसूबा है उस पर देश की जनता 2024 के आम चुनाव में पानी फेरने का काम करेगी। वंशराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, भारत समाचार पर अपनी बातें रखने के लिए। तो देखिए, लगातार कहा जाए कि ईडी की जो टीम है वो तलाशी कर रही है अरविंद केजरीवाल।